न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वेनिस न्यूज़ लाइव, मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। राज्यपाल को एमएनसी के नाम पर भेजने की तैयारी। महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा दी गई विधान परिषद में नियुक्त किए जाने वाले विधायक विधायकियों के सूची भेजने वापस जाने से विदर्भ में भाजपा उम्मीदवारों और मुख्यमंत्री शिंदे के समर्थन में उम्मीद की किरण पैदा हो गई है। राज्यपाल विधान परिषद में कुल 12 सदस्यों की नियुक्ति करना चाहता है। महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा दी गई नामों की सूची राज्यपाल द्वारा अब तक स्वीकारित नहीं की गई है, जबकि जब तक सरकार नहीं बनी तब अब तक सत्ता परिवर्तन हुआ है। राज्य में मुख्यमंत्री 19 शिंदे और भाजपा सत्ता में आ गई है। मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया है कि गठबंधन सरकार द्वारा दी गई उम्मीदवारों की सूची को रद्द किया गया है जाए कि उन्हें रद्द किया जाए। राज्यपाल ने तुरंत इसे स्वीकार कर दिया और घोषणा भी दी गई है कि सूचना दी गई कि अब शिवसेना और भाजपा के जरिए नई लिस्ट भेजी जाएगी। फॉर्मूले के मुताबिक शिवसेना को 4 और भाजपा को 8 सीट मिलने की हिंदी के साथ शिवसेना के साथ के कई नेता और पूर्व विधायक आए हैं। शिंदे को उन्हें समायोजित करने का प्रयास करना होगा और कुछ जगह कई उम्मीदवारों भाजपा को 5 सीटें कम है और इच्छुक उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ी हुई है। भाजपा नैतिक नेतिकाओं का कहना है कि विधान परिषद में मुंबई और पश्चिम महाराष्ट्र रहेगा। इसे देखकर विदर्भ में उनके कुछ कट्टर समर्थक बताए जा सकते हैं, इसलिए कुछ उम्मीदवार असमंजस है कि आगामी नागपुर मनपा चुनाव लड़े या नहीं। संदीप जोशी, विक्की कुकरेजा और मौका मिला सकता है तो हालांकि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बात हो सकती है। राज्यपाल को एमएलसी के नाम भेजने की तैयारी। महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा दी गई विधान परिषद में नियुक्त किए जाने वाले विधायक विधायकों की सूची वापस भेजने जाने से विदर्भ में भाजपा उम्मीदवारों और मुख्यमंत्री शिंदे के समर्थन में उम्मीद की किरण पैदा हो गई है। राज्यपाल विधान परिषद में कुल 12 सदस्य की नियुक्ति करना चाहता है। महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा दी गई नामों की सूची राज्यपाल द्वारा अब तक स्वीकृत नहीं की गई है, जबकि जब तक सरकार नहीं बनी अब सत्ता परिवर्तन हुआ है। राज्य में मुख्यमंत्री 19 शिंदे और भाजपा सत्ता में आ सरकार द्वारा दी गई उम्मीदवारों की सूची को रद्द कर दिया जाए। राज्यपाल ने तुरंत इसे स्वीकार कर दिया। ये भी घोषणा की गई थी कि सूची कर दी गई थी तो अब शिवसेना और भाजपा के जरिए नई लिस्ट भेजी जाएगी। फॉर्मूले के मुताबिक शिवसेना को 4 और भाजपा को 8 सीटें मिलेंगी। हिंदी के साथ शिवसेना के कई नेता और पूर्व विधायक आए हैं। शिंदे को उन्हें समायोजित करने का प्रयास करना होगा। कुछ जगह कई उम्मीदवार भाजपा के पास सीटें कम हैं और इच्छुक उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ी है। भाजपा नैतिक नेताओं का कहना है कि विधान परिषद में मुंबई और पश्चिम महाराष्ट्र रहेगा। इसे देखकर विदर्भ में उन्हें उनके कुछ कट्टर समर्थक बताए जा सकते हैं, इसलिए कुछ उम्मीदवार असमंजस में हैं। आगामी नागपुर मनपा चुनाव लड़े या नहीं, संदीप जोशी, विक्की कुकरेजा और मौका मिल सकता है। हालांकि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बात। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।